हाय फ्रेंड्स, अब गाइस अंदाज़ा लगाइए कि आपके के अभी अभी रिसेंटली आपके पास एक अनजान आदमी आया है। अनजान आदमी मतलब आपके कॉन्टैक्ट सोर्सेस में आया, वो आदमी भी आपसे कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन कन्वर्सेशन बढ़ाने में और एक अच्छा सा बॉन्ड बनाने के लिए एक अच्छा खासा समय भी लगता है, और आप दोनों ही नहीं चाहते कि आप लोगों को समय इन्वेस्ट करना है। ऐसे में वो एक सोल्यूशन लेके आता है कि आप अपने सीक्रेट्स शेयर करो, मैं भी आपको अपने सीक्रेट्स बताऊंगा, तो अपन लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे, जिससे अपने बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। अब ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन चीज़ है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्योंकि चीज़ें पर्सनल चीज़ों से आ जाती है, तो उसके बाद में ये चीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बोलने प्राइवेसी रिलेटेड होती है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा क्वेश्चन बन के निकल के आते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो मैंने हाल ही में एक ऐसा एक्सपीरियंस किया था, सो हम उस एक्सपीरियंस पे जंप करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ और क्या कर सकते हैं गाइडलाइंस। सो हाय गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पेक्टिकुलर आइज ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ पर होता ऐसा है कि मेरे पास मेरा एक एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस का होता है मॉरल। सो हम बढ़ेंगे एक्सपीरियंस के ऊपर। सो एक्सपीरियंस होता ऐसा है कि मैं इंस्टाग्राम चलाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मतलब यूजुअली जैसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अकाउंट है, वैसे मेरे पास भी मेरा एक अकाउंट इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे है। उस अकाउंट को मैं रेगुलरली ऑपरेट करता हूँ। वहाँ पे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से और दोस्तों और अलग अलग टाइप के लोगों से कनेक्ट करता हूँ। कुछ फ्रेंड्स है, कुछ पॉपुलर पेजेस है, कुछ अच्छे कोर्ट्स वगैरह वाले हैं, और कुछ इसी टाइप के लोग कनेक्टेड रहते हैं, और कुछ प्रमोशनल इवेंट्स इंक्लूडेड। सो इसी टाइप के बीच में मैं चला रहा था, तब मुझे एक अनजान आदमी की तरफ से मैसेज आया। अब ये मैसेज आया तो मैंने भी देखा क्या है, कहाँ से आया, तो चेक करना ना तो बनता है। गया, चेक किया। चेक करने के बाद उसका मैसेज था कि मुझे आपके प्रोफाइल मैंने आपके प्रोफाइल देखा, मुझे आपके प्रोफाइल से आप एक अच्छे इंसान लगे, तो फिर मुझे लगा कि आपको उसके साथ कन्वर्सेशन करना चाहिए, ऐसा उसका स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद में मैंने उसकी भी प्रोफाइल देखा, वो भी बंदा एक रेपुटेड बंदा लग रहा था, तो मुझे भी लगा कि अगर ये रेपुटेड बंदा होगा तो एक बार चैट करने में कोई बुराई नहीं है। तो चैटिंग स्टार्ट कर दी गई। चैटिंग जब स्टार्ट कर दी गई तो उसके बाद में मैं पहले तो कुछ जनरल चीज़ों की बात हुई, जैसे कि चॉइसेस, हॉबीज टाइप्स हो गए। फिर उसके बाद में कुछ अराउंड 5 दिन बाद उसका ऐसा आया कि आप मुझे एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगे। काफ़ी हद तक के मेरे भी ओपिनियंस वैसे ही थे, बिकॉज वो ऐसा बंदा था जो अभी तक अपना एजुकेशन कर चुका है, हाल ही में एक वेल पेड जॉब के लिए सेटल हो चुका, ऐसा उसका बोल। फिर उसके बाद में मैं उसका कहना था कि आप भी मुझे एक इंटरेस्टिंग बंदे लगे, ऐसा करते हैं कि आप मुझे अपने थोड़े सीक्रेट बताओ, मैं आपको अपने थोड़े सीक्रेट बताऊंगा, सो दैट अपना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा और अंदाज़ा लगाया कि एक तो पहले इसको ज़्यादा समय हुआ नहीं, ऊपर से डायरेक्ट सीक्रेट्स पे खुद ही मार रहा है, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर ये ऐसा बोल रहा है तो अपने पास ऐसा कुछ है क्या जो अपन इसके साथ शेयर करें या ये लीक कर दे, कोई भी कंडीशन में अपने को प्रॉब्लम ना जाए। सो जब खंगालने में कुछ इंसिडेंट आया सामने कि जिनको शेयर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो शेयर कर दिया। अभी इसके बाद में उसने भी अपने तरफ से शेयर कर दिया कि कुछ एक्सपीरियंस, कुछ इंसिडेंट वगैरह। अब वो इंसिडेंट उसने शेयर किया। फिर उसके बाद में मैं हर बार हम ऐसा करते थे कि हम टॉपिक्स पे शिफ्ट कर लेते थे, मतलब अभी थोड़ी देर इस टॉपिक पे बात हो गई, अब अगले टॉपिक पे बात होगी, फिर अगले टॉपिक पे बात होगी, इस टाइप से। लेकिन ये वाला जो सीक्रेट सारा टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा लंबा गया, मतलब इसने एक बार बार दो मतलब एक से करके दो तीन करके दो मतलब हाँ अराउंड 2 से 3 सीक्रेट बता दिए मुझे, उसने बताया, मैंने उसको बताया, लेकिन ये सीक्रेट्स वाला ला कन्वर्सेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उसका ऐसा ओपिनियन था कि आप मुझे और सीक्रेट्स बताओ, मैं भी आपको और सीक्रेट्स बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा टाइम लेके सोचा कि इसका क्या करना चाहिए, मतलब फिर मैंने 2-4-5 बार टॉपिक्स बदलने की कोशिश की। फिर उसके बाद में मैं वो फिर भी घूम फिर के उधर ही आता था।
मतलब हाँ वो थोड़ा सा कन्वर्सेशन करता था, लेकिन घूम फिर के वो वहीं पे आ जाता था। सो मैंने सीधा डिसीजन उठाया, उसको ब्लॉक कर दिया। अभी भी मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों किया ऐसा, लेकिन मुझे वहाँ पे खतरा लगा इसलिए मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। सो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब गाइज यहाँ पे होता है मेरा एक्सपीरियंस खत्म, हम बढ़ेंगे मॉरल के ऊपर। सो मॉरल पे बढ़ने से पहले आप एक लंबे समय तक हमारे मॉडर्न डे एम्पायर से जुड़े रहो, ताकि आप सब्सक्राइब कर दो और आपको ऐसी चीज़ों में अपन कुछ अच्छे से डिस्कशन ले सके। सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। सो मॉरल ये निकल के आया कि जैसे कि अगर ऐसा होता है सर कि अपन के सामने, जैसे मैंने एक कंडीशन डिस्कस किया कि अनजान लोग आते हैं सीक्रेट शेयर करने के बारे में डिमांड करते हैं, बट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सीक्रेट शेयर करने वाला एक बहुत अजीब सा पैरामीटर है जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में नया है और चल भी रहा है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको रोक देना चाहिए, मतलब अपने तरफ से। अभी ऐसे इसके लिए रैली वगैरह तो नहीं निकाल सकते, इंडिविजुअली स्टेप लेना पड़ेगा कि अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो एटलीस्ट प्राइवेसी से लीक करने वाला पैरामीटर तो नहीं रखेंगे। नहीं तो आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी आ गया है कि आप हमारा अकाउंट ऑपरेट करो, हम तुम्हारा अकाउंट ऑपरेट करेंगे, इससे पासवर्ड एक्सचेंज करना होगा। सो उस टाइप की चीज़ों पे स्टार्टिंग से सोचना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड करने के नाम पे प्राइवेसी अटैक नहीं होना चाहिए। और आप सभी भी को आने वाले समय बिजनेस ऑपरेट करना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स, अपना माइंडसेट प्राइवेट रखा जाए। क्योंकि अगर सामने वाले ला आदमी जो भी है वो आपका दोस्त हो सकता है, वो दुश्मन हो सकता है और कन्वर्ट भी हो सकता है। वैसे टाइम पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। सो ये था एक छोटा सा मॉरल। अब बात करते हैं बोनस की। अब ट्रस्ट बिल्ड करने का एक सीधा सटाक तरीका जो मुझे दिखता है वो है अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना। मतलब जैसे कि अगर अपन ने कोई कमिटमेंट किया और उस कमिटमेंट को पूरा करना, छोटे मोटे कमिटमेंट से ही, कि आज ये करना कल वो कोई छोटा काम करना जो अपन देख सके कि हाँ भाई ये हो ही सकता है या इसमें इतने रिसोर्सेस नहीं लग रहे, उस टाइप के छोटे मोटे कमिटमेंट्स भी अगर अपन करते चले तो एक कम समय में ट्रस्ट बहुत आसानी से बिल्ड हो जाता है। और सो गाइस ये था मेरी तरफ से एक बोनस ट्रिप। हमने डिस्कस किया इसका मॉरल, हमने डिस्कस किया बोनस ट्रिप, हमने डिस्कस किया एक्सपीरियंस। सो उम्मीद करता है ये छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आया होगा। इसके साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।